मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चिंतामणि महाराज के भाषण में शामिल होने की चर्चा पर कहा कि बहुत सारी बातें होती रहती हैं। घोषणा पत्र को लेकर सीएम ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो विपक्ष में पहले तैयारियां होती थी। घोषणा पत्र पर भाजपा ने एक बार भी छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं पूछा, केवल इतना कहा कि उल्टा लटका देंगे। तो वहीं सीएम ने बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब 17.5 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लोगों की बात होती रहती है, बहुत सारे हवाबाजी भी होती रहती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई तभी तक के दिखाई नहीं दिया। बहुत लोगों के बारे में बहुत सारे गॉसिप चलते रहते हैं, तो उस अफवाह हम लोगों को ध्यान नहीं देना है।